मोदी सरकार ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेवा की शुरुआत की, जिसे आयुष्मान भारत व मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। योजना की शुरुआत होते ही देश के दूर सुदूर गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत सरकारी व निजी अस्पताल में 9 अक्टूबर तक यानी योजना की शुरुआत होते ही महज 2 हफ्तों में ही 50,000 से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। योजना से लाभान्वित लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बारे में हम तो यही कहेंगे कि इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी हैं, इतना बड़ा लाभ किसी गरीब आदमी को नहीं मिला। जो इस सरकार में जो है गरीबों की मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो ये काम किया, बहुत बेटा लाभ मिलो। बड़े बूढ़े तो ने बहुत सुनी और ये सब लोग बड़ी हमारी सहायता कर रहे हैं, दुआ दिए कि फिर हो। तुम इतना बड़ा हॉस्पिटल में हम इलाज करा रहे हैं, हम करा नहीं पाती, मोदी जी के वजह से इलाज करा रहे हैं। इस योजना से हमको बहुत लाभ हुआ, मेरी मम्मी की बहुत अच्छे से इलाज हो रही है। एक पैसा नहीं लगा जी, बिल्कुल फ्री इलाज करे, कोई 5 पैसे नहीं हमारे खर्च हो जी, खाने पीने का भी मतलब हॉस्पिटल से हमें मिला है जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए बहुत अच्छी स्कीम करी है, कि चाहे जैसे भी हमारे लिए तो एक तरह से वही भगवान है जिन्होंने हमारा इतना मुश्किल टाइम निकाला। अभी तक देश भर के 13,000 से अधिक अस्पताल जुड़ चुके हैं। योजना से जुड़े हर अस्पतालों में आयुष्मान मित्र तैनात होते हैं, जो इस योजना के लाभार्थियों का इलाज कराने में मदद करते हैं। 5 लाख तक के खर्च में अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च शामिल है। फिलहाल 30 राज्यों के 443 जिलों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा चल रही है। इस योजना से एक तरफ जहां 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिली है, तो वहीं मोदी सरकार की इस योजना ने 10 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। एक सर्वे के मुताबिक स्वास्थ्य पर क्षमता से अधिक खर्च के कारण देश के 6 करोड़ लोग गरीबी में चले जाते हैं। इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हुए मोदी सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालते ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। यूनिसेफ के एक सर्वे के मुताबिक गंदगी के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में एक परिवार का बीमारियों के इलाज में 50,000 रुपए का सालाना बोझ पड़ता है। ऐसे में मोदी सरकार की ये योजना 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुरक्षा कवच देने के साथ साथ देश में 10 लाख रोजगार के दरवाजे खोले हैं और भविष्य में देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने में भी ये योजना मददगार साबित होगा।